कोई भी एग्जाम का जब आपके पास स्टेटस आ जाता है ना, आपको सेंटर पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आपका एग्जाम इस दिन है, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना, उनके मन में थोड़ा सा डर रहता है। जिनकी तैयारी जीरो है उन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिसने तैयारी कर रखी है उसके मन में रहता है कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए। अब उन्हीं लोगों के लिए ये सेशन है जिन्होंने खूब मेहनत की है पिछले 2-3-4 महीने में, हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ्स में, जीके में, जीएस में, रीजनिंग में, हर सब्जेक्ट में मेहनत की है। अब उनको लास्ट टाइम पे कोई गलती ना हो जाए, लास्ट टाइम पे कोई चीज छूट ना जाए, उनके लिए उनके पास रेगुलर क्लासेस हैं और ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 5 PM डेली जुड़ते हैं तो आप रीजनिंग की क्लासेस को ले सकते हो हितेश सर के द्वारा, 6 PM आप जीके की क्लास को ले सकते हो संदीप सर के द्वारा, 7 PM आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो साइंस की सिप्रा मैम के द्वारा, रात को 8 बजे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो मेरी इंग्लिश की, उसके बाद रात को 9 बजे आप मैथ्स की क्लास ले सकते हो सज्जन सर के द्वारा, और ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी क्लास 24 पर। इनके PDF के लिए क्लास 24 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन पर आपको इनके सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे, और YouTube पर अगर आप जाते हो तो आपको लाइव सेशंस मिल जाएंगे। क्लास 24 के नाम से ही आपका एप्लीकेशन भी है, क्लास 24 के नाम से ही आपका YouTube चैनल भी है, ये क्लासेस हैं। अब 100% अगर एग्जाम में देना है तो 100% सटीक क्वेश्चंस भी होने चाहिए, और ये सटीक क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना हम टीचर्स की जिम्मेदारी है, इन सटीक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ये आपकी जरूरत है, ये आपकी जरूरत है। आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, आपको तरक्की करनी है, आपको आगे जाना है, तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। हम टीचर्स आपको खूब बढ़िया से पढ़ा दें, खूब अच्छे से पढ़ा दें, लेकिन एग्जाम वाले दिन आप एग्जाम देने ही ना जाओ तो अब इसमें मेरी गलती नहीं है ना, गलती तो आपकी है। हम टीचर्स आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दें, हम टीचर्स बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको PDF दे दें, लेकिन आप उन PDF की प्रैक्टिस ही ना करो तो गलती किसकी है? आपकी गलती है। लास्ट टाइम पर इस गलती से बचना, लास्ट टाइम पर ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना। अगर आप अपनी इंग्लिश की स्किल्स को मजबूत करना चाहते हो तो केवल इंग्लिश के लिए, अब इंग्लिश के लिए कोई भी एग्जाम आपका हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो MTS हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे CDS हो, या फिर आपके पास एयरफोर्स हो, केवल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो इंग्लिश विद संजीव सर पर। दस से 11 साल का एक्सपीरियंस, ढेर सारी स्टूडेंट्स की सफलता, ढेर सारी स्टूडेंट्स की सफलता में शामिल होना, हिस्सेदारी बनना, ये सब दिखाया है हमने पिछले कुछ सालों में और हमारी टीम ने। तो ये इंग्लिश विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आज ही जुड़े, और इसमें 9 PM आपकी इंग्लिश की चैप्टर वाइज ग्रामर की क्लास होती है, ये आपकी चैप्टर वाइज क्लास हो गई, और 8:30 बजे आप सुबह जुड़ सकते हो वो कैप की स्पेशल सेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर इंपॉर्टेंट वीडियोज आते रहते हैं, उनके द्वारा आप अपने सपने साकार कर सकते हो। तो ये थी मेरी तरफ से आपकी पूरी जानकारी। CPO के लिए भी मैंने बताया, CGL, CHSL, MTS, CPO, स्टेनोग्राफर, NDA, CDS, इन सब का लेवल सेम है। CPO के लिए भी मैंने बोला हुआ, और जिसने CPO की बात की थी उसी के लिए मैंने ये बातें आपसे की है, ठीक है? तो मुलाकात करेंगे आपसे सेशंस में। आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कभी भी किसी भी टॉपिक में वीक नहीं रहेंगे, किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी तभी होती है जब आप खुद समझदारी नहीं दिखाते हो। एक 12th पास स्टूडेंट से हम समझदारी की उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अपने सपने साकार करिए।